कलर देख सकते हो आप गाइस, और ये पेबल्स देखो, तो उधर काफी स्टोन और मिट्टी रहती है, तो उसके इसको क्रॉस करते हैं। कुछ तो भी सीन हुआ है यहाँ पर शायद से। यहाँ पर रुके हुए हैं, पर पुलिस का चेक पॉइंट है। पैंगोंग लेक रह गया है 26 किलोमीटर। सो गाइस, फाइनली हम लोग महाराष्ट्र पुणे से पैंगोंग लेक तक पहुंच चुके हैं, और मैंने ऑलमोस्ट 3000 ड्राइव किया है इस व्यू के लिए। तो गाइस, यहाँ से दो रोड है, पैंगोंग को जाने के लिए लेफ्ट लेना है आपसे आपको, और लेक को जाने के लिए राइट लेना है। तो अगर आपका नेविगेशन नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पर रेंज नहीं है कुछ भी, तो याद रखिए आपको लेफ्ट लेना है। यहाँ पर बोर्ड ठीक से प्रॉपरली लगाया नहीं है, ये लगाया छोटा सा पर इस पर दिख रहा नहीं है, तो ध्यान रखिए आप उतना। पहाड़ों के किनारों से हम चल पड़े पैंगोंग लेक की तरफ, और साइड में कुछ ऐसे रिवर फ्लो है। वाह 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 वाह, थोड़ा मूड खराब कर दिया। बहुत मजा आ रहा है गाइस। हम लोग ने अभी मैगी, और आज चतुर्थी, इसके लिए मैंने वेज खाया सब, फास्ट नहीं रख पाया मैं क्योंकि यहाँ पर खाना ही पड़ता है। तो देखा आपने ऐसे ब्लाइंड टर्न को, धीरे गाड़ी चलाना चाहिए आपने, क्योंकि उन्हें भी नहीं दिखता है, हमें भी नहीं दिखता है, हॉर्न कितना सुनाई देगा यहाँ पर। ऐसे बीच में पत्थर वगैरह भी गिरे रहते तो उसका भी ध्यान देना आप। फास्ट वोंट लास्ट, व्हिच इज एक्सट्रीमली ट्रू। वाओ, क्या मस्त दिख रहा है ये फ्लो, देख सकते हो आप गाइस, फ्लो काफी बढ़ गया है। तो नीलिमा ने मेरा वीडियो निकाला, तो शायद से अपन वो रील्स पे डाल सकते हैं। तो अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आईडी आ जाएगा, उस पर फॉलो कर लेना, रील्स वगैरह आपको अपडेट जल्दी मिल जाएंगे उस पर से। और मेरा बंदाना काफ़ी टाइट हो गया, इसके लिए मेरा आवाज़ थोड़ा सा खराब आता होगा। वाह, कलर देख सकते हो आप गाइस, और ये पेबल्स देखो कैसे रोड के साइड में। वाह 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 वाह, व्हाट अ ब्यूटी, इन लोगों ने कैसा रोड बना रहेगा गाइस, जस्ट इमेजिन, इतना एक्सकैवेट करना पड़ा रहेगा इनको, सो इट इज़ नॉट अ जोक, सो हैट्स ऑफ टू देम। देख सकते हो आप, वाओ क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है। वाओ, मज़ा आ गया गाइस व्यू देख के। आई होप यू गाइस एंजॉयिंग दिस वीडियो, अगर आप एंजॉय करते रहेंगे, आपको पसंद आया ये वीडियो, तो डू गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट डाउन योर थॉट्स, कैसे लग रहा है, क्या आप ये इतना एडवेंचर करना चाहोगे लाइफ में कभी, तो भी कमेंट डाउन योर थॉट्स, या फिर नहीं करना चाहोगे, सब सब बता देना कमेंट्स में, शेयर योर थॉट्स। तो ये जो बीच में है ना, बीच का जो है, तो उधर काफ़ी स्टोन और मिट्टी रहती है, तो उसके वजह से थोड़ा सा टर्निंग के टाइम बहुत स्लो होना पड़ता है, क्योंकि बाइक जो है वो स्किड होती है, छोटे छोटे पत्थर के ऊपर से टायर हिल जाता है आगे का। गाइस, मैं कितना ऐसे ऐसे लग रहा है, मैं ये भी शूट करूँ, ये भी शूट करूँ, आपको ये भी बताऊँ, वो भी बताऊँ। रोड तो काफ़ी अच्छा है, बीच बीच में से ख़राब आता है थोड़ा सा, और वो हिंदी में कहते हैं ना, रोड पर एक कुत्ता भी नहीं है, वैसी हालत है यहाँ पर। तो आप सब आपका किट लेके चलना, खाने पीने का सामान सब साथ में लेके चलना, आपको बीच में से प्यास लगी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, भूख लगी कुछ भी नहीं है, टायर पंक्चर हुआ आपके पास पूरा किट होना चाहिए, बेसिक सब चीज़ें होनी चाहिए, टायर का ट्यूब बनाओ सब, आप देख सकते हो यहाँ से। अरे रोड किधर है,
रोड काफी खराब है यहाँ से, अभी देख सकते हो आप। जो स्टोन्स रहते हैं उसके ऊपर से चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाइक का टायर स्लिप होता है उसके ऊपर से। और यहाँ से भी आप देख सकते हो काफी खराब रोड है। ये इसको क्रॉस करते हैं, और एक वाटर क्रॉसिंग लगा हमें छोटा सा, कुछ तो भी सीन हुआ यहाँ पर शायद से। तो किसी की इनकी गाड़ी खराब हुई है, गोल्डन ईगल ऐसे। तो आप याद रखो गाइस, अगर आप यहाँ पर आते रहेंगे, किसी को आपकी हेल्प लगती रहेंगी तो प्लीज़ उनको हेल्प कर देना, आपको कोई और आगे हेल्प कर देगा तो उनको प्लीज़ हेल्प कर देना। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना होटल है, ना कोई गैरेज है, ना कुछ भी है। तो प्लीज़ आप किसी को भी आप ऐसे मिल गए जिसको हेल्प चाहिए, आपकी तरफ से जितना हो सके उनको दे देना। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इनोवा गाड़ी अटक गई थी, उसका टायर जो है वो जगह पे घूम रहा था पत्थर के ऊपर। और चलिए अभी हम लोग जाते हैं। इसको बोल आगे लेने, ये चेयर ऐसा कोई रुका था कि बीच में, काफ़ी ऐसे बीच बीच में रिवर क्रॉसिंग आते हैं छोटे कभी बड़े। और अभी हमें पूरा ऐसे घूम के ऊपर जाना है और पहाड़ों के पीछे जाना है। और आप देख सकते हैं पहाड़, और यहाँ पे आप स्काई वगैरह भी देख सकते हो, ब्लू है पूरा।
जो गाड़ी ली है वो JNK की है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की, तो इनको ज़रूरत नहीं है दिखाने को। और हमारी गाड़ी आउट ऑफ स्टेट है तो इनको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। देख सकते हैं लिखा है यू आर एंटरिंग द वैली ऑफ मैनिटर्स। आफर मैसिव पत्थर है, ये घिरे हुए है या क्या है पता नहीं एग्जैक्टली, और इतने मैसिव स्टोन्स मैंने आज तक नहीं देखे। पैंगोंग लेक रह गया है 26 किलोमीटर और सनसेट होते हुए अभी वैसे 4:30 बज गए और सनसेट जैसा क्लाइमेट हो गया है क्योंकि माउंटेंस के बीच में है हम, तो माउंटेंस की वजह से काफ़ी जो इधर धूप आती है सनराइज आती है तो वो नहीं आ रही है, इसके लिए ऐसा लग रहा है शाम के 6 या 7 बज गए, तो काफ़ी अच्छा क्लाइमेट हो गया है। इतना ब्लू दिख रहा है वहाँ पर, एकदम ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर डार्क ब्लू दिख रहा है स्काई, तो आप सोच सकते हैं पानी का कलर जो है पैंगोंग लेक का वो क्यों ऐसे अलग दिखता है। और थोड़ा सा हल्का सा ड्रिजल हुआ अभी, मतलब हो रहा है वैसे इतना नहीं पर हल्का सा एकदम। प्रॉपर फोटोग्राफर है, कैसे बड़े बड़े लेंस है इनके पास 5D 6D, क्या पिक्चर आएगी गाइस उसकी आप सोच सकते हो। गाइस पैंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू देख सकते हैं आप, तो भी क्लाउडी है थोड़ा सा तो भी कितना ब्लू दिख रहा है वो पानी, वाह इतना आके वर्थ इट लगता है गाइस। अभी बजे है शाम के 5:15 और आई गेस आधा घंटा लगेगा हमें उधर पहुंचने के लिए। आर्मी वाले हाथ दिखाते हुए, मैं सीरियसली मैं रोऊंगा अभी इसे देखकर। वाह इतना दूर आया हूँ 3000 किलोमीटर चलाकर पुणे महाराष्ट्र से, तो ये गोप्रो में तो जस्टिस होना ही चाहिए। गाइस क्राउड देख सकते हो आप कितना क्राउडेड है, यहाँ पर पैंगोंग में स्टे मिल नहीं रहा है क्योंकि टेंट सारे फुल हो चुके हैं। आप देख सकते हो वो जो 3 इडियट्स में का जो स्कूटर का सीन है, तो वो स्कूटर उन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा के रखे और वो बम वाला सीन 3 जन बैठ के वो फोटो खींचते, तो वो उन्होंने यहाँ पर सेटअप करके रखा है ताकि आप लोग फोटो खींच सके यहाँ पर ऐसे व्यू एंजॉय करते हुए। सो गाइस फाइनली हम लोग महाराष्ट्र पुणे से पैंगोंग लेक तक पहुँच चुके हैं और मैंने ऑलमोस्ट 3000 ड्राइव किया है इस व्यू के लिए मैंने इतना ड्राइव किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे कैसे व्यू है, चारों तरफ मेरे माउंटेन है। से काफ़ी ठंडी बज रही है और मैंने मेरा थर्मल भी पहन लिया जो हमारा गियर का है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 to 15 degrees तक गया होगा। और पीछे का व्यू देख सकते हो, तो मैं वही फ़ोटोशूट वगैरह चालू था और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे रील्स डालने वाला हूँ, तो यहाँ पर नीचे आईडी आता होगा मेरा, उस पर जाके फॉलो ज़रूर करना मुझे, आपको लाइव अपडेट्स और सब चीज़ें मिलेगी वहाँ पर। तो अभी नीचे फोटोशूट होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ थोड़ा नाश्ता करने के लिए और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, नाश्ता चल रहा है पूरा। तो
गाइस ऊपर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया और अभी हम लोग नीचे आए तो पैंगोंग लेक मेरे पीछे ही है और आप व्यू देख सकते हैं पूरा सनसेट के हिसाब से कैसे हो गया पीछे का, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये साइड का भी बताता हूँ आपको, ये साइड का भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है। और पानी बताता हूँ मैं आपको कितना साफ और कितना क्लीन है, देखो पानी पूरा ट्रांसपेरेंट है, अंदर का दिख रहा है। नाइट में ऐसे कुछ दिख रहा है गाइस। तो गाइस हम लोग फाइनली निकल गए पैंगोंग से, आप देख सकते हैं यही रोड पे हमने फोटो वगैरह निकाले थे। हम लोग अभी तांगस्ते पहुंच गए और ऐसे कुछ डिनर है हमारा आज का, तो टेस्ट करते हैं अभी।